राज करने के काबिल नहीं है। जनता को अपने बड़े काम करने दुख दे रहे, जनता के तकलीफों का दुखों का निवारण करने के लिए बैठा रखे वहां पर, इसलिए आपके खून पसीने की कमाई से टैक्स जाता है, उससे मौत हो जाते हैं और उन्हीं को दुख देते हैं, इनका भला नहीं हो सकता। तो साथियों, जो भ्रम लगा एक दो दिन और है, बैठ गया लौट ना, हम आपके साथ हैं। कुर्बानी की बात आएगी, कुर्बानी आपके साथ देंगे। लड़ाई की बात आएगी, लड़ाई संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ लड़ेगा, और जब तक नहीं हटेंगे तब तक जीत नहीं जाएंगे। आप क्या राज मांग रहे हो, रास्ता ही तो मांग रहे हो, रास्ता तो संविधान के अंदर कानूनी अधिकार है, एक झुपड़ी गरीब की है उसका भी रास्ता लगा रखा, मुर्गाबंदी में भी आजादी के टाइम भी इस तरह काम कर रखा, आपने क्या जुलम कर दिया, लाखों लोगों के अधिकारों को छीन लिया, कहां से जाएंगे। रास्ते का बंदोबस्त पल्ला होना चाहिए, बाकी के काम बाद में होने चाहिए, हम इस बात का समर्थन करते हैं और यह पूरी करवा के दम लेंगे, कोई भी नहीं रोक सकता। और ये भी टोटल के करण तो है ठीक का, अब ये उधर ही कौन जागते नरम से है, सारे बेहे कर दिए खाट पर इकट्ठे कर दिए, जो तो काम करे थे ठीक है, ठीक है, फिर आपका भी गुस्सा उठना बहुत जरूरी है, हम आपकी लड़ाई आपसे आगे आकर के खड़े होकर के लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे, और जीत होगी सम्मानजनक जीत होगी। रोड विकास समय समिति तो निर्णय लेगी इंडिपेंडेंट रूप से, हम उसके ऊपर बगैर किसी कंडीशन के फूल चढ़ाएंगे, हम आपकी सभी मांगों का समर्थन करते हैं, बशर्ते कि आपकी एकता, आपकी मजबूती, आपकी मांग को आपके संघर्ष को लेकर के अडिग होनी चाहिए और ईमानदारी से होनी चाहिए, आप एकजुटता से, एकता से, कंधे से कंधा मिलाकर अनुशासन का मुख्य अधिकार संविधान का अपने हाथ में रखते हुए आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। मैं तमाम पंडाल के अंदर मौजूद बच्चे बूढ़े और जवान, किसान और मजदूर तमाम साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं, और आपकी लड़ाई को, आपकी मजबूती को क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं साथियों, क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं।